श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। भगवान से मिलने की, भगवान के साक्षात्कार करने की यदि आपको इच्छा है, आप श्री कृष्ण से मिलना चाहते हो, तो ये सत्संग जरूर सुनना। भगवत प्राप्ति, भगवत मिलन, भगवत साक्षात्कार के लिए सबसे पहली बात, आपकी चाह बहुत प्रबल होनी चाहिए। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। हे प्रभु, तुम मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, इसीलिए आपसे मिलना चाहता हूँ। जब तक चाह नहीं होगी, उत्कंठा नहीं होगी, तब तक कहाँ भगवान आने वाले हैं। जब चाह होती है प्रबल और भगवान के लिए मन विकल होता है, रोता है, उन्हें पाने के लिए तड़पता है, तब भगवान द्रवित होते हैं। भगवान सामने प्रकट होने के लिए ललायत रहते हैं। हमारी चाह ही नहीं है, हम तो संसार की चाह कर रहे हैं। आप जरा विचार करो, सभी मनुष्य भगवान की पूजा, भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? उनके पीछे यही मकसद है कि उनका घर परिवार सही रहे, वो स्वस्थ रहें, भोग पदार्थ उनके घर में आते रहें, वो अच्छे अच्छे भोग भोगते रहें, थोड़ा बहुत भगवान की भी सेवा हो जाए, बस उनकी यही इच्छा है। उनकी प्राथमिक इच्छा भोगों को प्राप्त करने की है, अपने परिवार के सुख की है, अपने शरीर के सुख की है, आदि आदि। भगवान तो वो अपने मतलब स्वार्थ पूर्ति के लिए रख रहे हैं, यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ भगवत प्राप्ति की बात हो रही है ना। भगवान तो सब जानते हैं आपके मन की बात, आप जितने चालबाज हो, कितने बड़े भक्त हो, ये सब भगवान जानते हैं। आपकी जब प्राथमिक मांग भगवान हो जाएंगे, तो भगवान की प्राप्ति बहुत सुलभ है। सबसे पहले हमें भगवान के हो जाना है। भगवान के हो जाने से हमारे अंदर सब बुराइयां दूर होने लगेंगी। एक बात मन में बैठा लेनी है कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, मैं श्री राधा वल्लभ लाल का हूँ। जब यह बात आप मन में बैठा लोगे और उनके आश्रित हो जाओगे कि मैं शरणागत हूँ, मैं अपने राधा वल्लभ लाल का, मैं आश्रित हूँ मेरे राधा वल्लभ लाल का, मेरा बल मेरी राधा रानी, मेरे राधा वल्लभ लाल, जब ये बात आ जाएगी तो आपको भजन नहीं करना पड़ेगा। इस आश्रय के बल से, इस शरणागत होने के बल से भजन अपने आप होगा, क्योंकि चिंतन हो रहा है ना, आपका चिंतन हो रहा है कि मैं भगवान का हूं, यही चिंतन आपका भजन करवाएगा। संसार का भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने के बाद कितना सुख भोग लोगे, जरा विचार करो। इस समय खरबपति व्यक्ति जिनके पास अकूत धन संपत्ति भरी पड़ी है, वो भी कितने सुखी हैं, जरा विचार कर ले। देखो ना, उनके पास सब कुछ धन संपत्ति होने के बाद भी उनकी जीवन शैली कैसी है, उनके अंदर क्या क्या है पता है? सबसे बड़ा अभिमान, मान, दंभ, ये सब भरा हुआ है। उनके पास धन होने के कारण इतना अभिमान है कि वो सबसे बड़े हैं, भगवान से भी बड़े मानने लग जाते हैं, जो अपने धन को इतना बड़ा मानते हैं कि भगवान से भी बड़ा इनके लिए धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, जबकि भगवान के एक नाम के बराबर इस संसार की सभी संपत्ति को जोड़ लिया जाए, तब भी मेरे भगवान का नाम भारी है। इस संसार की संपत्ति से क्या मोल इस संपत्ति का, एक सांसे नहीं खरीद सकते। जब मृत्यु आएगी
तो संसार की सभी संपत्ति को लगा दो, बड़े से बड़ा डॉक्टर लगा दो, शरीर नहीं बचा सकते। शरीर मृत्यु के ग्रास में चला गया तो चला गया। हाँ, भगवान अगर चाहें तो मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है। देखो ना, भगवान ने मृत्यु के बाद किस किस को जीवन दिया। श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय करो, पता करो। श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। दो जगह यह दिखता है, विशेष रूप से दो जगह प्रसंग आया हुआ है। जब माता श्री कृष्ण जी की माता देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे मेरे छोटे छोटे पुत्र ला के दो, मैं जानती हूँ कि तुम परम पिता परमेश्वर परमात्मा हो, तुम ये कर सकते हो। तो भगवान ने अपनी माता के कहने पर उन मरे हुए पुत्रों को एज इट इज, जैसे थे, जिस अवस्था के थे, वैसे भगवान ने ला के दे दिया। वहीं दूसरा प्रसंग, जब भगवान शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे उज्जैन, तो वहाँ सांद्रिपनी जी के आश्रम में शिक्षा अध्ययन उन्होंने किया और 64 दिन या 66 दिन उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया था। गुरु दीक्षा में संदीपनी जी की पत्नी ने अपने पुत्र को, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, पंच तत्वों में विलीन हो गया था, मांगा था। भगवान ने एज इट इज उनके पुत्र को वैसे ही लाकर, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में लाकर गुरु माई को प्रदान कर दिया। तो मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं कर सकती, किसी काम की नहीं है। तो ऐसे में दंभ नहीं करना चाहिए। अरे चाह करो भगवान की, भगवान आपके सामने, आपके कमरे में, आपके हृदय मंदिर में बैठेंगे ना, आपके साथ रहेंगे, है ना। भगवान के आने से सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। आपके मन कहीं भागेगा थोड़ी ना विषयों में, आपकी बुद्धि एक विवेकी पुरुष की तरह हो जाएगी, एक धैर्यवान पुरुष की तरह हो जाएगी, एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह आपकी बुद्धि हो जाएगी, सतमार्ग में चलेगी बुद्धि आपकी अर्थात। तो इस तरह आपकी मन बुद्धि पवित्र हो जाएगी भगवान की चाह से, भगवान के आगमन से। आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपके वचन बहुत पवित्र होंगे, कम बोलेंगे आप, अंतर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी होकर भगवान का चिंतन करेंगे। ये सब भगवान की चाह होने के बाद, भगवान के साक्षात्कार होने के बाद हो जाएगा। चाह तो पैदा करो। यहाँ अपनी चाह नहीं होती हम लोगों की, चाह संसार की बनी हुई है। भगवान की चाह होने के बाद जो शरीर के अंदर मन में मल जमा हुआ है, मन के अंदर जो मल जमा हुआ है उसका विनाश होता है। भगवान की अहेतु की कृपा से आवरण का भंग होना, भगवान अपने आवरण को खोल देते हैं और साक्षात्कार हो जाता है भक्त और भगवान का। हमें अपने मल को दूर करना है। मल अर्थात काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसे विकारों को दूर करना। हम इसे कैसे कर सकते हैं? इसे हम भगवान के आश्रित होकर कर सकते हैं, भगवान के नाम के बल से कर सकते हैं, भगवान के चिंतन के बल से कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा आपके चरणों में निरंतर चिंतन बना रहे, हम आपको कभी न भूलें प्रभु, हे प्रभु हम आपको न भूलें। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें। भगवान अहेतु के कृपालु हैं। कृपा करने में किसी आपके साधन बल या किसी अहेतु की आपके प्रयास की वो इच्छा नहीं रखते, नहीं देखते कि भक्त ये कर रहा है तो मैं इस पर कृपा कर दूं। वो अहेतु के कृपालु हैं, बिना किसी कारण के वो कृपा करते हैं। इसलिए तो आपको मनुष्य जीवन दिया है, तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति कर लेते हो? बहुत सरल है भगवान की प्राप्ति करना, बहुत सरल। उनके होकर उनके आश्रित होकर आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। थोड़ी सी चाह तो बना लो कि प्रभु मैं आपका
आपसे मिलना चाहता हूँ प्रभु, जन्म जन्मांतरों से आप भटका हुआ हूँ। तो इस तरह आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भगवत प्राप्ति करने के बाद परम आनंद आपको प्राप्त होगा। परम आनंद कहीं और नहीं, भगवान में ही है। जो भी आप संसार में सुख देख रहे हो वो उस आनंद का एक किनका है, किनका, जो आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, सुख समुद्र भगवान श्री कृष्ण है, उनके एक बूंद की छटा इस संसार में फैली हुई है आनंद और सुख के रूप में। थोड़े से सुख में क्यों भागते हो? आनंद समुद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आओ और उन्हें अपना मानो, उनके शरणागत हो जाओ मन क्रम वचन से। मन की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। मन संसार में लगातार भाग रहा था, पूर्व जन्मों में भी आपके बहुत भागा है, विषय वासनाओं में भागा है, इसलिए मन को ही भगवान के चरणों में लगाना है।